ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿੰਬੂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਦੋ ਦੋ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ? ਜੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿੰਬੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ? ਨਿੰਬੂ ਪਹਿਲੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਥਾ, ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਮਟਰ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਥਾ, ਹੁਣ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਕੱਦੂ 20-25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਥਾ, ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਕਾ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮਟਰ, ਕਿਸਕੇ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ? फूल गोभी का रेट 30 रुपए किलो है, पत्ता गोभी का रेट 30 रुपए किलो हो गया, सारी सब्जी के रेट बढ़ रहे हैं जी। पीछे से सब्जी बहुत घट आ रही है। कारण पता है क्या, क्या कारण इसका? ये तो मेरे को पता नहीं कि क्या कारण है। अच्छा, लोग कैसे अब लोगों की जो सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, अब कितनी सब्जी लेके महंगी हो गई है सब्जी? अब कितनी सब्जी लेके जाते हैं? पहले जितनी मतलब किलो दो दो किलो ले जाते थे, वो पाइया आधा किलो लेके जाते हैं। हाँ जी, तो काम में फर्क पड़ा है? भिंडी 30 रुपए पाइया जी। काम में फर्क पड़ा है तुम्हारे में? हाँ जी, हाँ जी, सबको फर्क पड़ा जी। तो देख सकते हो जो महंगाई के कारण जो है जो दुकान जो सब्जी बेचने वाले भी कह रहे काफ़ी फर्क पे है। हो सकता है गलबात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देख सकते हैं भिंडा की सब्जी मंडी में खड़े हैं, तो इक्का दुक्के जो लोग जो है सब्जी खरीदने वास्ते आ रहे हैं। भाई साहब गलबात करते हैं, भाई साहब की कहना, जो महंगाई आए दिन बढ़ रही है, सब्जी रेट भी बढ़ गई, नींबू जो है 40 रुपये किलो से 300 रुपये किलो हो गया, कितना फर्क पै रहा तुम्हें? चार गुना रेट बढ़ गया जी। भिंडी जो पहले 60 रुपये किलो थी, अब 120 रुपये किलो मिल रही है। तीन चार दिन में कद्दू पहले 20 रुपए किलो हो गया था, अब इसका रेट भी 40-50 हो गया। कितने का थोड़ा बजट से जेब से कितना फर्क पै रहा है जी? बजट डबल हो गया जी, मतलब जैसे पहले 2000 का खर्चा था, अब 4000 का हो गया। सब्जी का, फ्रूट का तो लग रह गया। जिस तरह पेट्रोल डीजल आए दिन बढ़ रहे, हम सब्जी भी आसमान रेट छू रही है। कितनी की सब्जी हूँ तुम लेके जाने हो? सब्जी हूँ हमने 1000 रुपये की ली है आज, ये सारा 10 दिन चलेगी, बस 10 दिन चलेगी नहीं, हफ्ते ही चलेगी। की मांग की करते हैं सरकार? तो मांग सरकार तो कर रहे हैं भी पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, तभी बाकी चीज़ों के सस्ते होंगे। ये जो सब्जी रेट एकदम रेट बढ़ गए, तो आम गरीब लोग एक ही होंगे रोटी या कपड़ा और मकान, तो जो हम रोटी नहीं खाऊगा तो फिर की कहोगे? जो सब्जी रेट बढ़ने नाल चटनी रोटी खानी पेगा, दिन चटनी खानी पेगी, उसका शरीर कमजोर होगा, वो काम नहीं कर सकेगा, वो तो मजदूरी भी नहीं कर सकेगा बेचारा, ऐसे होगा। जो सर्दे पर्दे के घरों के लोग हैं उनकी तो बात अलग है, जो गरीब लोग हैं वो तो दिहाड़ी करके खाते हैं, जब कुछ खाएंगे नहीं तो दिहाड़ी भी कैसे करेंगे। तो देख सकते जो सब्जी रेट कारण जो है काफ़ी जो परेशान नज़र आ रहे हैं लोग, तुम देख सकते हो सब्जी मंडी से मौजूद हैं, तो आम लोग जो है इक्का दुक्का ही सब्जी खरीदने ने। भाई साहब, जिस तरह सब्जी रेट हाई हो गए ने, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहे हैं, की कहना चाहिए थोड़ा जी? हर चीज़ ही महंगी हो जाती है जी, हर चीज़ ही महंगी हो जाती है, इसलिए कल आप सब्जी का की कही। सब्जी की गल करिए, जो नींबू हैगा सी 40 रुपये किलो बिकता से, 300 रुपये किलो बिक रहा है, ची भिंडी है, ची बंद गोभी है, डबल रेट हो गए है, तो कि फर्क पे रेट? बहुत ज़्यादा फर्क पेगा जी, या तो देखो ये आढ़तियों का कोई मिली भगत है, तो या फिर पिछे कोई कमी है, दोनों गल हो सकती है। बजट कि सब्जी खरीद रहे हो? पहले सस्ती होंगी, महंगी हो रही है? फर्क तो पैदा ही है जी, हम कोई हिसाब तक लाया नहीं है भी इन्नी इन्ना फर्क पै गया, वैसे काफ़ी फर्क डबल हो गया सारा कुछ। की मांग की करते हैं सरकार? रीजनेबल किया जाए भी, असर तो जी पेट्रोल तो डीजल का इफेक्ट है ज़्यादा, इसलिए हम सरकार की भी मजबूरी है, पिछले रेट रूट बढ़ गए कहते डीजल पेट्रोल के। देख सकते लोग भी कह रहे हैं डीजल पेट्रोल रेट कारण भी सब्जी रेट बढ़ रहे हैं, तो असं होर गलबात करने की भी कोशिश करा, जैसे लोग जो है सब्जी खरीदने वास्ते आए हैं, तो हर तरह जी चीज़ हैगी है, महंगी हो चुकी है, चाहे वह खीरा है, चाहे वह बंद गोभी है, चाहे फुल गोभी है, चाहे मटर है, चाहे टमाटर है, चाहे नींबू है, चाहे आलू है, साढ़े को इतने किसान इतने मौजूद है, इसे गलबात करते हैं। हाँ जी, की कहना चाहो, जिस तरह महंगाई कारण जो सब्जी रेट हाई हो गए ने जी, की कहना बारे थोड़ा? महंगाई बहुत हो गई जी, महंगाई ने तो जमींदार मार दे। सब्जी के रेट जो हाई हो गए, डबल हो गए, जो नींबू हैगा 40 रुपये किलो बिकना, 300 रुपये किलो बिक रहा है, भिंडी इन्नी बिक रही है, हूँ वह किन्ना फर्क पै रहा है महंगाई का जी? बहुत फर्क पै रहा जी, बहुत फर्क पै रहा जी, एक आलू की पटाई लेट हो रही है, वो करके सब्जी लेट हो गई जी, सारे का फर्क पै रहा जी। की मांग की करते हो सरकार तो? सरकार तो यही मांग करते हैं जी, कोई सब्जियों के रेट घटाए जाए, माड़ा मोटा हरेक चीज़ का रेट बढ़ जाता, टैक्स हरेक चीज़ से लाया जाए। अच्छा, काफ़ी फर्क पे है? काफ़ी, बहुत फर्क पेगा जी। हाँ, और भी ऐसी गलबात करते हैं। हाँ जी, पैसा की कहना चाहो, जैसे सब्जी रेट जो आए दिन बढ़ गए है, पेट्रोल डीजल रेट भी बढ़ रहे ने, किन्नी सब्जी खरीदने की कहना बारे? बहुत रेट बढ़ रहा है जी, महंगाई बहुत हो गई,
थोड़ा जहा कंट्रोल होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए रेट बारे। जिस तरह सब्जी के रेट बदल गए, हूँ तुम घर कि सब्जी लगे जाने, पहले सस्ती सब्जी होंगी उदो कि खरीदते खरीदते जिम्मे जी पहला 100 की लै गए, हूँ वही सब्जी के डेढ़ तो पौने दो लग जाए, इन्ना फर्क पै गया। जिस तरह सब्जी रेट आए दिन बद रहे हैं, आम लोग तो फिर चटनी ना रोटी खाने मजदूर। हाँ जी, गरीब बंदा कितों ले जूगा जी, हम कोई भी सब्जी नहीं लिया सकता, चटनिया का चक्कर हो गया जी, चटनी खा ले गंडे ना, गंडे भी नहीं खा सकता जी, उन्होंने गंडे का भी प्याज का भी रेट बहुत ज्यादा। हाँ जी, कंट्रोल करना चाहिए। तो देख सकते हो किस तरह के लोग जो है और गलबात करते हैं। हाँ जी, पैसा कहना, जो सब्जी रेट आए दिन बद गए, पेट्रोल जी रेट बद रहे हैं, सब्जी रेट बद रहे हैं, कितना फर्क पै रहा है जेब च? बहुत ज़्यादा फर्क पै रहा है जी, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मोदी ने तो बिल्कुल ही अग लाती है, मोदी सरकार तो इन्नी माड़ी है मोदी कि लोगों को भुखा मारना चाहता। असी चाहते हाँ भी हरेक चीज़ का कंट्रोल रेट रखे, वोटों तो पहला तो एक पैसा नहीं वधाया जो वोटा नहीं पाइया, जो जिमें ही वोटा पै गई डेली 80 पैसे डेली उस पेट्रोल करके सारे रेट वध रहे हैं। मैं मोदी को बेनती करदा कि आम लोगों के जो कहता सी भी असी हरेक की मदद करा, मैं मोदी को कहना भी हरेक की मदद कर, हरेक बारे सोच। आज जिहड़ा डेली का पेट्रोल रेट वधा रहे हैं डीजलों का, हरेक लोगों की मार पै रही है, इस करके साडी बेनती है ते तू लोगों बारे सोच। पेट्रोल तो वध रहे हैं, सब्जी रेट भी वध रहे, वो दसो वो करके वध रहे हैं जी, जिमें जिमें पेट्रोल का रेट वधूगा डीजल का रेट वधूगा, वाहन जिहड़ियां उसे नाल ही चलदियां ने, उस करके लोगों ते बोझ पैंदा है। सब्जी किन्नी महंगी हो गई? सब्जी बहुत महंगी है जी, गरीब बंदे दे वास तो बाहर हो गई है, जिते किलो लैनी होंदी उत्थे सोच के अद्धा किलो लईदी है, घर के गुजारे करने बहुत मुश्किल है। तुम देख सकते हो जो लोग जो है काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं, एक पास तो पेट्रोल तो डीजल आए दिन रेट बद रहे हैं, तो दूसरे पास आप गल करिए सब्जी के रेट है आसमान छू रहे हैं, तो लोगों का कहना है जिस तरह डीजल पेट्रोल रेट घट हो गए उस तरह सब्जी रेट भी घट हो गए, तो लोग मजबूर है हुण आने वाले समय लोगों का कहना जिस तरह सब्जी रेट बढ़ते रहे इस तरह ही असं सब्जी हुण नहीं खरीदांगे, तो चटनी नाल जे रोटी हैगी खाने से मजबूर हो जावांगे। तो हुण देखना होगा कि सरकार कदों जे सब्जी रेट घटाती है, महंगाई घटाती है, तो लोगों के जेब ते घट फर्क पवे। पिंडा तो गोविंद सैनी, लिमिटेड न्यूज़ पंजाब।